नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। अनुशासन राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। अनुशासन ही मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति और देशभक्त नागरिक बनाता है। अनुशासन की यही भावना को लेकर एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से विद्यार्थी अनुशासित और देशभक्त बनता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर न्यूलोक शिक्षण संस्थान लोधा परिसर में फायरिंग रेंज का वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल निर्भय कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनके जीवन में सेना का अहम रोल रहा है और सीखने के तमाम अवसर मिले। वहीं एनसीसी से देश सेवना और अनुशासन जीवन तैयार होता है। उन्होंने कहा कि पीएम के प्रयास से एनसीसी के पूर्व कैडेट्स की सूची तैयार की जा रही है, जिससे युवा शक्ति प्रेरित हो सके। कर्नल राठौड़ ने प्राइवेट संस्थान के एनसीसी यूनिट संचालित किए जाने की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कैडेट्स तन मन से सभी प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। वहीं जनजातीय अंचल के प्रतिभाओं के अवसर मिलेगा और जीवन में चैंपियन बनकर चुनौतियों का सामना करेंगे। साथ ही उन्होंने सेना से जुड़े हुए उनके अनुभवों को एनसीसी कैडेट्स से साझा किए। इस अवसर पर स्कूल परिसर में उपस्थित अतिथियों ने शिलान्यास पूजन किया और एनसीसी ध्वज और बैनर से निर्माणाधीन स्थल को सजाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदीप कोठारी ने कहा कि एक स्पोर्ट्समैन अपने काम से पहचाना जाता है और उन्होंने इसी उद्देश्य से इस फायरिंग रेंज को कर्नल राठौड़ के नाम पर रखा। उन्होंने फायरिंग रेंज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया कि वागड़ अंचल में एनसीसी के कैडेट्स को बेहतर सुविधा मिले और यहाँ की प्रतिभाएं देश विदेश में पहचान बनाए, इसके लिए यह रेंज तैयार की जाएगी। वहीं यहाँ कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग का अभ्यास करवाया जाएगा, जिससे यहाँ की प्रतिभाओं को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। फायरिंग रेंज शिलान्यास समारोह में 10 राज बटालियन एनसीसी उदयपुर के निर्भय कुमार, कर्नल इंद्रजीत घोषाल, पुलिस कप्तान कावेंद्र सिंह सागर, लेफ्टिनेंट सिंह भगोरा, लेफ्टिनेंट मुकेश पंड्या, एनसीसी थर्ड ऑफिसर ललित पाल, निशा अग्रवाल, शबनम शेख, मेजर अजय कुमार, पूर्व विधायक रमेश पंड्या, लियो कॉलेज के निदेशक मनीष त्रिवेदी, लता कोठारी, हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय प्राचार्य सरला पंड्या आदि ने कार्यक्रम में शिरकत की।